ओमिक्रॉन ने 50 दिन में ही करीब करीब पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि यह माइल्ड वेरिएंट है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, मगर हल्के संक्रमण का शरीर पर क्या असर हो रहा है इसे लेकर एक रिसर्च चौंकाने वाले नतीजे सामने लेकर आई है। रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन में को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि यह बाकी वेरियंट की तरह दिल, किडनी और फेफड़ों पर अपना असर छोड़ रहा है। देश और पूरी दुनिया में संक्रमण की सुनामी लाने वाले कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सुपर स्प्रेडर है, ये सब जान गए हैं, लेकिन कितना घातक है इसको लेकर पिक्चर क्लियर नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। ओमिक्रॉन शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है इस बारे में अभी तक यही पता था, लोग गंभीर बीमार नहीं पड़ रहे हैं और इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन पर हुई नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन का हल्का इंफेक्शन सभी अंगों को डैमेज कर रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर ये कहा जा रहा था कि इसके लक्षण हल्के हैं, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो संक्रमित लोगों के अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसको लेकर जर्मनी के एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित एक नई स्टडी बताती है कि वायरस का इन्फेक्शन अपना असर छोड़ जाता है, फिर भले ही मरीजों में इसके लक्षण ना दिखते हों। स्टडी के मुताबिक हल्का संक्रमण भी शरीर के अंगों को डैमेज कर सकता है। स्टडी के लिए 45 से 74 साल की उम्र के कुल 443 लोगों की बड़ी पैमाने पर जांच की गई। स्टडी में शामिल किए गए संक्रमितों में हल्के या किसी तरह के लक्षण नहीं थे, और स्टडी का रिजल्ट बताता है कि संक्रमितों के अंदर संक्रमित ना होने वाले लोगों के मुकाबले मीडियम टर्म ऑर्गन डैमेज देखा गया। अजीब अजीब तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने उनको लॉन्ग रन के अंदर उनकी किडनी को, उनके हार्ट को, उनके लंग्स को, उनकी मसल्स को, सबको अफेक्ट किया है। मीडियम टर्म ऑर्गन डैमेज के नाम दिया गया है, क्योंकि इस बीमारी से कि आदमी कंटिन्यूस इन्फेक्शियस रहता है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में छपी स्टडी के मुताबिक लंग फंक्शन टेस्ट में फेफड़ों का वॉल्यूम 3% घटा पाया गया और एयरवे से जुड़ी दिक्कतें भी देखी गई। कोविड में कई प्रकार की चेंजेस लंग्स में आ जाती हैं, उन लंग्स की चेंजेस की वजह से लंग्स के जो सूक्ष्म गुब्बारे हैं जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, उसमें पानी भर जाता है। उसमें पानी भरने से उतने हिस्से में लंग में ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होता है, तो लंग के अंदर ऑक्सीजन की कमी जो हो जाती है, जो शरीर को ऑक्सीजन देता है लंग, उसकी वजह से लंग के फंक्शन को हम कहते हैं लंग फंक्शन इफेक्टेड हो गया। तो ये कोविड में खास तौर से इस बात को देखना पड़ता है कि हमारा सेचुरेशन तो नहीं फॉल कर रहा है। हल्के लक्षण और कम लक्षण वाले संक्रमितों पर हुई स्टडी में संक्रमण के दिल पर पड़ने वाले असर को भी देखा गया। हार्ट की पंपिंग पावर में औसतन 1-2% की कमी दर्ज की गई, जबकि खून में प्रोटीन का स्तर 41% तक बढ़ा पाया गया, जो कि हार्ट पर पड़ने वाले तनाव के बारे में बताता है। ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन से अपने शरीर के अंदर ऑटो इम्यून बॉडीज डेवलप हो जाती हैं, और कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है वो हार्ट के मसल्स के ऊपर मायोकार्डाइटिस पैदा करता है, जिसके कारण कि हार्ट की पंपिंग पावर में 1-5% की कमी देखी जा रही है, जो कि मरीजों के लिए घातक है। हाँ, ये बात अलग है कि ये कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है, परंतु हमें ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रिसर्च में वैज्ञानिकों को फिक्र बढ़ाने वाली एक और बात पता चली है, और वो है पैरों की नसों में खून के थक्के ज्यादा बनना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।